हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टीज। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेस्टीज के बारे में। टेस्टीज टेस्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए टेस्टीज एक्चुअली होता क्या है, टेस्टीज हम लोग बोलते हैं किसको है, टेस्टीज कौन होता है, टेस्टीज है क्या, कहाँ पर रहता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए अभी हम ये बताया था आप लोग को, टेस्टिस जो होते हैं ये स्क्रॉटम में होते हैं। स्क्रॉटम जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि स्क्रॉटम, एक स्क्रॉटम में क्या होते हैं, दो स्क्रॉटल सैक होते हैं, वो भी एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसी में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इतना तो हम लोग को पता है, हर एक ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में, हर एक मनुष्य जाति के नर में एक जोड़े, एक पेयर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और ये टेस्टिस एक चमड़े में बंद होता है, उसी चमड़ा को जिस थैले में बंद होता है, जिस स्किन का बना होता, वो जो स्किन होता है उसी स्किन, ये थैले की तरह होता है जो अभी पढ़े स्क्रोटम, वो दो स्क्रोटल सैक में डिवाइड होते हैं। प्रत्येक स्क्रोटल सैक में एक-एक टेस्टिस होता है। ठीक है, अब टेस्टिस है कौन, पहले हम लोग को समझना है, उसके बाद फिर हम थ्योरी लिखाएंगे। पहले एकदम इतना से समझ लीजिए। देखिए ये जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस को सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस को हम लोग कहते हैं कि टेस्टिस एक प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है। ऑर्गेन्स इसलिए लगा दिए, इसकी संख्या कितनी होती है भैया, इनकी संख्या होती है एक जोड़े होती है। ठीक है, टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स है, और चूंकि एक संग एक जोड़े संख्या होती है इसीलिए ऑर्गेन्स लगाती है, एक जोड़ा होती है। अब सवाल होता है कि टेस्टिस में होता क्या होता है। ठीक है, तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस एक प्रकार के, समझ लीजिए टेस्टिस एक प्रकार का फैक्ट्री होता है। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, एक प्रकार के फैक्ट्री होते हैं जहां पर कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गैमेट का निर्माण होता है। अब उससे पहले एक चीज हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि ये टेस्टिस जो है, सबसे पहली बात कि टेस्टिस कहाँ कहाँ पर बनता है। ठीक है, टेस्टिस बनता कहाँ होगा, तब हम लोग इस पर विस्तार बात करेंगे, कहाँ स्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह होता है। देखिए टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है, अगर हम लोग इम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर बात करें, जिस तरीके से अगर इम्ब्रियोनिक स्टेज, जिस समय बच्चे का शरीर बन रहा होता है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में ही बनती है। एब्डोमिनल कैविटी, जैसे स्क्रॉटम का निर्माण हुआ था उसी तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का क्या होता है, निर्माण होता है इम्ब्रियोनिक स्टेज के समय। लेकिन जन्म के पहले, यानी बिफोर बर्थ क्या होता है, बिफोर बर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जन्म से पहले क्या होता है, ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस कहाँ चले जाते हैं, टेस्टिस गोज इन स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक मतलब क्या होता है, स्क्रोटम, एक स्क्रोटम में दो स्क्रोटल सैक था, दो टेस्टिस होता है। तो जन्म के पहले जो है ये टेस्टिस कहाँ चला जाता है भाई, स्क्रोटल साइट में चला जाता है। ठीक है, अब आप सवाल यह कर सकते हैं कि आखिर टेस्टिस ये बाहर क्यों चला जाता है, अंदर में रह जाता है? तो देखिए अंदर में रह जाता है ना, टेस्टिस किसी काम का होता ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन का जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, एक प्रकार के स्पर्म के फॉर्मेशन करने का एक तरीके का फैक्ट्री होता है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन तब होगा जब टेस्टिस का टेम्परेचर, जब टेस्टिस का तापमान बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, और अंदर में अगर टेस्टिस रहता है तो हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पर ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। यही वजह है कि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में आती है, और स्क्रोटम में सबसे
इम्पोर्टेंट मसल्स, डार्टोस मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट, उसके मूवमेंट के कारण स्क्रोटम का तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जिस तरीके से स्क्रोटम टेस्टिस स्क्रोटम जिस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम एक केनाल द्वारा अटैच्ड था, एक केनाल द्वारा जुड़ा होता है, जिसका नाम दिए थे हम लोग इंग्विनल केनाल, ठीक है। अब ये टेस्टिस किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो उसी इंग्विनल केनाल से कॉर्ड पास करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। यानी ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस है और ये मान लेते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी। तो ये दोनों एक दूसरे से संपर्क जो साधता है वो एक यहाँ पर डोरी जैसा एक स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी मान लेते हैं और ये टेस्टिस हो गया। इसी ये जो स्ट्रक्चर है यही दोनों को जोड़ करके रखता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो बना होता है ये आर्टरी वेन और नर्व का बना होता है। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसमें क्या कहते हैं, इसमें आर्टरी होते हैं, इसमें वेन होते हैं और इसमें नर्व कॉर्ड होते हैं। ये तीन चीज का बना होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का क्या काम हो गया, एब्डोमिनल, ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से किसके द्वारा जुड़ा होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जो कि आर्टरी वेन और नर्व कॉर्ड का बना होता है। फिर से आप समझ लीजिए, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसकी संख्या एक जोड़े होती है। इम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम लोग बात करेंगे, भ्रूणीय अवस्था की बात करेंगे, जिस समय बच्चे के शरीर का निर्माण होते रहता है, अगर उस समय की हम लोग बात करेंगे तो टेस्टिस का फॉर्मेशन स्क्रोटम की तरह एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे के जन्म के ठीक पहले जैसे कि स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं, उसी तरीके से टेस्टिस भी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो बने होते हैं वो तीन चीज के, स्पर्मेटिक कॉर्ड इज मेड अप ऑफ आर्टरी वेन एंड नर्व, ठीक है, एंड नर्व कॉर्ड नहीं कर सकते हम लोग, एंड नर्व, ठीक है, नर्व के बने होते, ठीक है। इतना बात, ये जनरल बात थी, ये सब लिखाएंगे पहले भी समझिए, मैं तो टेस्टिस अब थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा और आपको। देखिए टेस्टिस क्योंकि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हम सबसे पहला बात लिखेंगे। अब सवाल ये होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग बोलते किसको, ठीक है, सबसे पहला बात कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग किसको बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन को बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं जिसमें के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें टेस्टिस की, तो हम लोग ये तो जान रहे थे कि टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस एक फैक्ट्री, टेस्टिस क्या है, एक फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनता है, इस फैक्ट्री के अंदर बनता है स्पर्म बोल दीजिए, स्पर्मेटोजोआ बोल दीजिए, स्पर्म बोलिए या स्पर्मेटोजोआ बोलिए, ठीक है। ये जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, मेल गैमेट बोल सकते हैं, इसको हम लोग मेल गैमेट बोल सकते हैं। यानी टेस्टिस जो है, टेस्टिस में क्या बनता है, एक फैक्ट्री है टेस्टिस, और इसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है या स्पर्मेटोजोआ बनता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। तो
मेल गैमिट हो या स्पर्मेटोजोआ हो या स्पर्म, वैसे बॉडी के ऑर्गेन, वैसे बॉडी के ऑर्गेन जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, वैसे ऑर्गेन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग के मेल में अगर देखा जाए, ह्यूमन बीइंग के मेल में अगर देखा जाए, मेल में टेस्टिस क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन हो जाएगा। और अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओवरी में होता है। फीमेल में गैमिट का फॉर्मेशन जो होता है वो ओवरी में गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कौन होते हैं, ओवरी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, टेस्टिस एक फैक्ट्री है जिसमें स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से इस टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन वैसे ऑर्गेन होते हैं जिसमें क्या बनते हैं, गैमिट का निर्माण होता हो या स्पर्मेटोजोआ बनता हो या स्पर्म बनता हो या सीधा सा गैमिट बनता हो। तो अगर मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होगा तो उसमें मेल गैमिट बनेगा, स्पर्म बनेगा। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होगा वहां भी गैमिट बनेगा लेकिन फीमेल गैमिट बनेगा यानी ओवम बनेगा, और वो ऑर्गेन कौन होगा, ओवरी होगा। हम लोग का क्या होता है, टेस्टिस होता है मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग बात ये करेंगे, टेस्टिस का कुछ लंबाई चौड़ाई भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग टेस्टिस की लंबाई चौड़ाई की बात करें, अगर हम लोग टेस्टिस के साइज का बात करें, अगर हम लोग साइज, तो साइज जो टेस्टिस का होता है वो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, ये इनका लेंथ होता है, ये लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ। और अगर हम लोग बात करें इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई, टेस्टिस का चौड़ाई लगभग जो होते हैं वो 2.2 चौड़ाई होता है इसका 2 से 2.5 होता है, इतना सेंटीमीटर ये ब्रॉड होता है या चौड़ा होता है, ये ब्रॉड चौड़ा। लंबा कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 2.5 यानी 2 to 2.5 सेंटीमीटर, ये ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे अभी और हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब सवाल मेरा ये होता है कि भाई टेस्टिस में स्पर्म का तो फॉर्मेशन होता है लेकिन कहां पर होता है। अगर हम लोग टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो थोड़ा काटना पड़ेगा और तब बनाएंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए समय भी चाहिए। आज हम इसको पूरा पहले समझा ही देते हैं तब फिर स्ट्रक्चर बना के एक बार और समझा देंगे हम लोग। देखिए टेस्टिस को अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको अगर हम लोग काट करके देखेंगे तो इसमें आपको 3 अलग अलग लेयर मिलेगा, परत मिलेगा। देखिए सबसे पहला अगर हम लोग ये देखें, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अगर देखते हैं, समझिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए टेस्टिस एक्चुअली जो है चारों तरफ से एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर्स के द्वारा ये घिरा हुआ। इसमें जो 3 लेयर्स होते हैं टेस्टिस में, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में 3 लेयर्स होते हैं, यह जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलरसा। ठीक है, एक जो इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। एक होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया,
अल्बुजिनिया, और एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। ठीक है, टेस्टिस में तीन लेयर होते हैं, कौन कौन? एक जो इसका लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं, दूसरा लेयर जो होता है वो होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है, और तीसरा लेयर जो होता है वो होता है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। तो ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है ये टेस्टिस का आउटर लेयर होता है। ये क्या होता है भाई? आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का क्या होता है? आउटर लेयर होता है, ये बाहरी परत होती है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो होता है टेस्टिस का मिडिल लेयर होता है, ये है टेस्टिस का मिडिल लेयर, ये टेस्टिस का मिडिल लेयर होता है, यानी ये टेस्टिस का मिडिल लेयर होता है बीच आकर जस्ट बिलो ऑफ द ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये मिडिल लेयर रहता है। और ये जो होता है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा जो होता है ये टेस्टिस का इनर लेयर होता है, इनर लेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इनर लेयर ऑफ टेस्टिस, ये मिडिल लेयर ऑफ टेस्टिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की अगर बात करें तो इसमें तीन है अलग अलग, एक ट्यूनिका वेजिनेलिस हो गया, एक ट्यूनिका अल्बुजिनिया हो गया, और एक ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। अब अगर हम लोग बात करें इसमें एक अलग से स्ट्रक्चर होती है जो ट्यूनिका वस्क्यूलोसा जो इनर लेयर होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई टेस्टिस को अगर हम लोग काटे तो टेस्टिस में हम लोग को क्या दिखाई देगा? देखिए टेस्टिस को अगर हम लोग काटते हैं तो इसमें आपको लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स करते हैं, ये सभी चीज स्ट्रक्चर में आएंगे। इसको लिखना चाहते हैं तो आप इधर उधर लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है, फिर हम थ्योरी लिखाएंगे एक तरफ से, और लिख लीजिएगा तो समझने में थोड़ा अच्छा हो रहेगा, बाद में भी आप कॉपी उठाइएगा तो अच्छे से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। चलिए अब ये तो तीन बात हो गया, इसी में जो है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स की बात होगी या टेस्टिक्यूलर लोब की बात होगी। अगर हम लोग टेस्टिस को काट करके देखेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, टेस्टिस में बहुत सारे भाग होते हैं, और ये हम आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाएंगे, आज हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टेस्टी ट्यूलर लोब्स, लोब्स भी बोल सकते हैं या लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, टेस्टिक्यूलर लोब्स या लोब्यूल्स की बात करते हैं। देखिए टेस्टिस में लगभग अगर आप काट करके देखिएगा, इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, अभी हम समझा रहे हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्स या लोब्यूल्स लगभग एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग लोब बोलते हैं। ठीक है, 200 से 250 लोब्स होते हैं, कितना होते हैं? 200 से 250 लोब होते हैं
हर एक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस कंसिस्ट अबाउट 200 to 250 लोब्स, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एक लोब, ठीक है, एक लोब की, यहाँ 200 से 250 लोब है, इसी में से हम लोग अगर एक लोब की बात करें, वन लोब, अगर हम लोग बात करें वन लोब ऑफ टेस्टिस, वन लोब ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के एक लोब की बात करें, जैसा एक लोब में होगा वैसा ही स्ट्रक्चर सभी में होंगे, 200 से लेके 250 लोग जो होते हैं ये सारे में वही स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि एक लोब में होता है, ठीक है। एक लोब, ईच लोब ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट, इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो लगभग आपको एक से तीन, कितना ध्यान दीजिएगा, एक से तीन, एक लोब में, टेस्टिस के एक लोब में एक से तीन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें एक से तीन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक लोब, ईच लोब ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट 1-3 डक्ट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सेमी फेरस टिब्यूल, ठीक है। ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं। एक लोब जो टेस्टिस के होते हैं तो प्रत्येक लोब, टेस्टिस के प्रत्येक लोब में, ईच लोब ऑफ टेस्टिस कंसिस्ट अबाउट 1-3 डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल बोला जाता है इसको। अब देखिए ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ही सबसे बड़ा चीज होता है। एक्चुअली जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर या टेस्टिस एक फैक्ट्री होता है जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस एक फैक्ट्री होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हमसे ये कोई पूछ ले कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो हम लोग को तब ये बताना पड़ेगा टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेमिनिफेरस टिब्यूल में होते हैं। सवाल ये होता है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन क्यों होता है और दूसरे रचना में क्यों नहीं होती है, टेस्टिस के दूसरे भाग में क्यों नहीं होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही क्यों, एकदम सही सवाल। अब इसमें ये है, इसका जवाब ये है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में एक सेल्स पाए जाते हैं जिसको ये सराउंडेड होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज सराउंडेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम सेल, यानी इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में सेल पाए जाते हैं जिसका नाम क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल होते हैं। एक लोब, टेस्टिस के एक लोब में एक से तीन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल चारों ओर से जर्मिनल एपिथेलियल सेल द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। इसी जर्मिनल एपिथेलियल सेल से फॉर्मेशन होता है किसका भाई, स्पर्मेटोगोनिया, इसका निर्माण होता है स्पर्मेटोगोनिया का। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म का सबसे पहला स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बनता है, किससे बना, जर्मिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया फिर बदल जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें बदलता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तब यहां पर ये बना देती है
सेकेंडरी स्पर्माइटोसाइट क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्माइटोसाइट बनाती है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल हुआ, इससे क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया किसमें बदलती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये स्पर्माइटिड में बदल जाती है, स्पर्माइटिड में बदलती है, और ये स्पर्माइटिड से फिर बनता है स्पर्म। तो देखिए ये स्पर्म या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट कहते हैं। तो ये स्पर्म या मेल या स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट, इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ? इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ, ठीक है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय जर्मिनल एपिथेलियल सेल या जर्मिनल एपिथेलियल सेल। अब इस सेल से क्या बना पहले भाई? ये स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किया। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्माइटिड बनेगा, और इसी से फिर ये क्या बन जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसमें? स्पर्म में चेंज हो जाता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? टेस्टिस के जो लोब है उस लोब में जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है या ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सेमिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं उसमें होता है। अब ये सारे काम जो होते हैं, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज की भी जरूरत होती है। कब बनेगा स्पर्म? इसका देखभाल करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। कब स्पर्म नहीं बनेगा उसका कंट्रोल करना पड़ेगा। स्पर्मेटोगोनिया जब आगे वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, तो इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ेगी। ये कहां से आएगा? ठीक है, तो अब ये सब बात हम लोग करेंगे। आप लोग इसको भी कहीं लिख लीजिए, ठीक है? फिर हम एक तरफ से सारे चीज को लिखेंगे स्ट्रक्चर बना करके, लेकिन आप लोग रात में इसको कहीं पर लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। अब देखिए एक बात और समझिएगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें दो प्रकार के सेल्स भी होते हैं, ठीक है? इसमें दो प्रकार के सेल्स, तो उसकी भी बात करना जरूरी है इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए फिर से लिख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। सर्टोली सेल या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेल कहते हैं। एक और इसमें सेल होता है जिसका नाम होता है लाइडिग सेल,
और इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टीशियल से। तो एक होता है इसमें सर्टोली सेल या सपोर्टिंग सेल, एक होता है इसमें लाइटिंग सेल, या इसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल कहते हैं। सर्टोली सेल से क्या क्या निकलता है देखिए, सर्टोली सेल क्या क्या सेक्रीट करता है। सर्टोली सेल जो सेक्रीट करते हैं वो क्या क्या करते हैं, सर्टोली या सर्टोली सेल ये मान लेते हैं, ये क्या करते हैं सेक्रीट, क्या सेक्रीट करते हैं सर्टोली सेल। यहां से एक प्रकार के सबसे पहले प्रोटीन निकलते हैं जिसका नाम होता है एबीपी। इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। एक और इसमें होता है, एक और चीज निकलते हैं इनहिबिन प्रोटीन, इनहिबिन प्रोटीन निकलते हैं। ये बात लाइटिंग सेल जो होते हैं, लाइटिंग सेल से इससे क्या सेक्रीट होती है भाई, ये भी सेक्रीट करती है, ये सेक्रीट करती है। लाइटिंग सेल क्या सेक्रीट करती है, लाइटिंग सेल जो सेक्रीट करती है ये हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन निकालती है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेल सेक्स हार्मोन, इसको भी लिख लीजिए। तो अब देखिए ये करता क्या है, कॉन्सेंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये क्या करता है सप्रेस ऑफ FSH का फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन। पूरा इस पर मेटोजेनेसिस को कंट्रोल सब करने के लिए ये जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है ये इस पर मेटोजेनेसिस कब करना है कब नहीं करना है ये सब इस पर भी डिपेंड करता है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या करता है एबीपी जो है इसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये सब देखभाल करती है। इनहिबिन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होती है, ये इस पर मेटोजेनेसिस जिससे में होता है पूरा मतलब इसमें इस पर वगैरह का जब फॉर्मेशन होता है कि ये सब हार्मोन्स निकलते हैं, इस हार्मोन को रोकना इनहिबिन प्रोटीन का काम होता है।
ठीक है, जब स्पर्म पूरा बन जाएगा तो फिर इसको रोकना पड़ेगा। और ये जो होता है, ये जो मेल सेक्स हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सभी को एक तरीके से कंट्रोल करता है, फंक्शन को कंट्रोल करता है। किसका किसका फंक्शन ये कंट्रोल करता है? एसेसरी सेक्स ऑर्गेन, जेनाइटल, एसेसरी सेक्स ऑर्गेन हो गया, जेनाइटल ऑर्गेन हो गया, एंड ग्लैंड वगैरह सब हो गया, डक्ट वगैरह हो गया, ये सब को करता है। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है कंट्रोल, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गेन, डक्ट एंड ग्लैंड। हो गया आज का क्लास, कल फिगर बनाएंगे और सब चीज लिख भी देंगे।